फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल इस वाली वीडियो में आपको चैप्टर इलेवन जो कि फिजिक्स का है मेजरमेंट एंड मोशन यूनिट फॉर मूविंग थिंग पीपल एंड आइडियाज ये वाला चैप्टर पढ़ाऊँगा जैसे कि मैंने आपको इसका यहाँ तक पढ़ा दिया था अब हम आगे से शुरू करेंगे अगर आप मेरी वीडियो में मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए और और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है इसी चैप्टर से रिलेटेड तो जरूर देख लीजिए वो उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी नहीं तो आपको पूरा चैप्टर समझ नहीं आएगा चलिए ये वाला पेज पढ़ना समझना शुरू करते हैं एज वी सीन इन द प्रीवियस सेक्शन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट That remain the same regardless of who make the measurement. Unit that have a fixed quantity and do not vary from person to person and place to place are called standard unit. इसका standard unit of measurement का मतलब अभी इसमें क्या बताया कि जो जैसे कि हमने पहले समझा कि unit कितनी important है, unit बहुत इम्पोर्टेंट है मेज़रमेंट की यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है मतलब स्टैंडर्ड यूनिट उसे कहते हैं आदमी से आदमी से चेंज ना हो जैसे पहले होती थी हैंड्सपेन हैंड्सपेन कि, किसी किसी का लंबा हाथ है तो हैंड्सपेन अलग आएगा तो फैथम अलग आएगा इस क्यूबेट अलग आएगा इसीलिए और प्लेस टू प्लेस मतलब जगह से जगह भी उसके एक आदमी की हाथ क्यूबिट है तो उसके अलग आते हैं पर स्टैंडर्ड यूनिट की हमेशा सेम डिस्टेंस आता है रूलर से अगर आप नापें तो कोई लेंथ आएगी और अगर आप कोई फ्रेंड ना पे, तो वही लेंथ आएगी हम भले वो लंबा हो भले उसका हाथ आपसे लंबा हो पर आएगी क्योंकि हम हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दिया जो कि स्केल में मेजर्ड है चलिए अब पढ़ते हैं The France French introduced a standard system of unit called metric system, and British introduced a British imperial system of unit. There are several other system of unit adopted by different part of in the world. Different part of world in the metric system, the basic unit of length is the meter, and the British imperial system, it is the foot. As you can see if people from different part of the world using different system of unit want to trade or communicate idea etc it would lead to be a lot of inconvenience and confusion as the me measurement in one system of unit has to be converted into another system every time to overcome this problem scientists all over the world has uh, adopted a common set of units the system called international system of unit and SI unit the adaptation of SI unit in 1960 made it the made it easier for scientists to different countries to communicate their result to one another the SI unit of length is meter. Iska matlab? जो फ्रांस लोग थे उनने एक बनाई उसका नाम रखा स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ यू, स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ़ यूनिट और ब्रिटिश लोगों ने रखा ब्रिटिश एम्पीरियल सिस्टम ऑफ यूनिट फिर साइंटिस्ट बहुत कन्फ्यूज होते थे वो क्या किस को माने किस किस वाली को हम रखें किस वाली को अगर फिर उनने एक चीज़ बनाई इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड की एक चीज़ बनाई जिससे अब वो अगर पूरे साइंटिस्ट मिलके काम करते हैं तो वही यूनिट यूज करते हैं उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ऐसा यूनिट ऐसा यूनिट 1960 में बनी थी जो ऐसा यूनिट होती है वो ऐसा यूनिट लेंथ की है मीटर जो मीटर होती है वो ऐसा यूनिट होती है लेंथ की ठीक है चलिए अब आगे पढ़ते हैं तो अब पढ़ना शुरू करते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ़ द ऑब्जेक्ट वी नीड टू मेजर वी हैव टू चूज एन अप्रोप्रिएट यूनिट सम कॉमन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ आर इंच मिलीमीटर सेंटीमीटर एंड किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल वी यूज मीटर टू मेजर द लेंथ ऑफ a piece of cloth kilometer to measure the distance from one place to another millimeter to measure the thickness of the hair and so on centimeter and millimeter are used to measure shorter length whereas kilometer is used to measure longer length one kilometer is divided into 1000 div equal division each called meter वन मीटर इज डिवाइडेड इंटू हंड्रेड इक्वल डिविजन इज कॉल्ड सेंटीमीटर दैट इज अगेन डिवाइड इंटू टेन इक्वल डिविजन कॉल्ड मिलीमीटर सी टेबल इलेवन पॉइंट वन टू नो हाउ टू कन्वर्ट वन स्टैंडर्ड यूनिट टू अनदर इसका मतलब बहुत सारे तरीके की यूनिट्स होती हैं जैसे कि मिलीमीटर सेंटीमीटर किलोमीटर बहुत सारी तरीके की और इनके यूज़ भी होते हैं मिलीमीटर और सेंटीमीटर बहुत छोटी होती हैं किलोमीटर लंबी के लिए मतलब ज़्यादा लंबी जगह के लिए और मिलीमीटर होता है सिर्फ बाल की थिकनेस इस छोटी चीज़ के नापने के लिए और सेंटीमीटर होता है बुक की लेंथ ब्रेथ छोटी चीज नापने के लिए पर सेंटीमीटर मिलीमीटर से सेंटीमीटर मिलीमीटर इन टेन होता है वन सेंटीमीटर सेंटीमीटर मतलब बड़ा होता है मिलीमीटर से जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल वन देख सकते हैं और एक और चीज़ थाउजेंट मीटर इज़ इक्वल्स टू वन किलोमीटर जैसे कि आप इस टेबल में अच्छे से पहचान पाएंगे कि कहना क्या चाह रहा है देख सकते हैं आप इसको समझ लीजिए टेन मिलीमीटर इज इक्वल टू वन सेंटीमीटर हंड्रेड सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन मीटर थाउजेंड मीटर इन टू वन इज इक्वल्स टू वन किलोमीटर ओके अब चलिए ये जो क्वेश्चन बोला गया है जरा वो पढ़ते हैं राजू एंड इज फ्रेंड अखिलू थाउजेंड मीटर फ्रॉम इच अदर एक्सप्रेस द डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउसेज इन किलोमीटर जैसे कि इसमें होता है थाउजेंड मीटर मतलब वन किलोमीटर तो इसमें आया टू थाउजेंड तो टू थाउजेंड जाएगा थाउजेंड इन टू टू इज इक्वल टू टू थाउजेंड देयर फोर टू थाउजेंड मीटर इज इक्वल टू टू किलोमीटर तो डिस्टेंस कितना हुआ टू किलोमीटर ओके अब हम पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ वी हैव लर्न जस्ट नाउ दैट एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मेजरमेंट इज टू डिसाइड द यूनिट इन विच वी आर गोइंग टू make a particular measurement for example depending on the length we can decide to use measure centimeter or meter centimeter or kilometer to represent it the second important part of measurement is to actually perform perform the measurement in order to perform measurement we need measuring tool or instrument example for measuring instrument are आर रूलर मेजरिंग टेप मीटर रॉड एंड सो ऑन द डिस्टेंस ऑफ समथिंग फ्रॉम वन वन एंड टू द अदर इज कॉल्ड लेंथ मेजरमेंट ऑफ लेंथ में कुछ नहीं जो ऊपर बताया था वही बताया पर मैं एक्स्ट्रा जो बताया वो समझा देता हूँ इसमें क्या बताया है कि जो मेजरमेंट होता है ना वो क्या होता है एक जगह से कहीं ख़त्म होता है एक जगह से चलता है और कहीं ख़त्म होता है तो उनके बीच का डिस्टेंस होता है वो लेंथ माना जाता है ठीक है और मेज़र करने के लिए हमें बहुत हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि मेज़रिंग टेप हो मेज़रिंग टेप होता है सबसे पहले मीटर रॉड होती है जिससे कि आप कपड़े नापते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं नापने के लिए जैसे रूलर भी होता है हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं और टेक टेक स्पेस ये है एन ऑडोमीटर इज़ अ डिवाइस यूज फॉर इंडिकेटिंग डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑटोमोबाइल जो ऑटोमोबाइल से डिस्टेंस ट्रेवल होता है ना ऑडोमीटर बताता है वो ठीक है तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इस वाली वीडियो में तो हम इतना ही पढ़ेंगे अगली वीडियो में वी नेक्स्ट पेज नेक्स्ट टू पेजेस पढ़ेंगे थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी थैंक यू गाइज़ और अगर आपने मेरी पुरानी जो इस चैप्टर की नहीं देखी तो मैं फिर से कह रहा हूँ देख लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है।